हाँ गुरु जी आ, पिछले डेढ़ महीने से मुझे गले में स्वेलिंग हुआ था डेढ़ महीने पहले थोड़ा था फिर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया मैंने बोला ऐसे नींद में कुछ आ गया होगा तो फिर ये बढ़ने लगा फिर अभी लास्ट वीक में ऐसा हुआ कि बहुत दिक्कत हो रही थी आ, मतलब खाना ही नहीं खा पा रहा था दो चार वाले खाता था वो भी बाहर आ जाता था मेरी आवाज़ बदल गई थी सब कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी फिर मैंने तुरंत फ्लाइट करवाई दिल्ली से फिर डायरेक्ट इधर आया अभी घर भी नहीं गया हूँ मैं। <laughs> मैं तो तो खांसी भी बहुत हो रही थी वो भी खत्म हो गई थी अभी थोड़ी बहुत है वो तो नॉर्मल है प्रणाम गुरुजी सर बेटा खूब पसंद रहिए स्वस्थ रहिए खूब मस्त रहिए मैं लंदन से आया हूं गुरुजी मेरे डीएनए में पांच लोग हैं मैं मेरी पत्नी मेरे बड़े भैया उनकी पत्नी और उनका लड़का है तो लंदन में क्या करते हो लंदन में गुरुजी जॉब करता हूँ और मेरी पत्नी है वो पढ़ाई कर रही है अच्छा वहीं पढ़ाई कर रही है मास्टर्स कर रही है अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहां रहते हो भारत में यहाँ गुजरात में बड़ोड़ा में बड़ोदरा में बड़ोदरा रहे थे ये सब नष्ट हुए जो कष्टों से पीड़ित थे सबकी स्मृतियाँ नष्ट हुई गंदी और सभी कष्ट गए आपके देखिए क्या क्या आपको था ये सब नष्ट ही करो सर्वाइकल स्पलाइटिस की स्मृतियाँ थी ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी कंधों में जकड़न और दर्द होना रोमैटिक औरथोराइटिस की स्मृतियाँ थी लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी लंग्स में कंजेशन होना गॉल ब्रेडर में सड़न हो रही थी पेट में ट्यूमर की स्मृतियाँ थी किडनी स्रिंक हो रही थी यूरेटर में सूजन था भोजन नली में घाव बन रहे थे श्वास नली में इन्फेक्शन कोलोन में घाव बन रहे थे प्रोस्टेट में सूजन पेट में दर्द होना कन्फ्यूज रखने वाली स्मृतियाँ थी आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियाँ थी कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में लंग्स में प्रोस्टेट में पैनक्रियास में यूरेथ्रा में और गले में हाँ गुरु जी पिछले डेढ़ महीने से मुझे गले में स्वेलिंग हुआ था डेढ़ महीने पहले थोड़ा था फिर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया मैंने बोला ऐसा नींद में कुछ आ गया होगा तो फिर ये बढ़ने लगा फिर अभी लास्ट वीक में ऐसा हुआ कि बहुत दिक्कत हो रही थी आ, मतलब खाना ही नहीं खा पा रहा था दो चारनी वाले खाता था वो भी बाहर आ जाता था मेरी आवाज बदल गई थी सब कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी फिर मैंने तुरंत फ्लाइट करवाई दिल्ली से फिर डायरेक्ट इधर आया अभी घर भी नहीं गया हूँ मैं क्योंकि दिक्कत मतलब घर वाले बोल रहे थे देखो लिखा ना कैंसर आ, बन रहा था गले का पढ़ा आपने पढ़ा पढ़ा मैंने ये सब स्मृतियाँ सब नष्ट असाध स्मृतियाँ हैं कल बेटा महावन करिए दरबार की ओर से जो निशुल्क है एक दिवसीय महावन ताकि असाध रोग जो है ना ये इनकी स्मृतियां नष्ट हो जाए ठीक है अभी तो सब आराम हो गया फर्स्ट क्लास लेकिन वो जो आपको आ, अभी 90 तो लेकिन अभी थोड़ा स्वेलिंग है पर 90 तो अभी क्लियर हो गया इसीलिए आप अच्छे से बोल पा रहे हो बात कर पा रहे हो खा पाओगे आवाज तो यहाँ आया था अभी आवाज तो ठीक हो गई थी और मुझे खांसी भी बहुत हो रही थी वो भी खत्म हो गई थी अभी थोड़ी बहुत है वो तो नॉर्मल है अब कुछ रहे, अपना थोक की स्मृतियां थी डिप्लोपिया की स्मृतियां थी कभी कभी एक चीजें दो दिखाई देना नर्व सूख रही थी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी कलर ब्लाइंडनेस की स्मृतियां थी और आंखों में दर्द और खुजली बनी रहती थी अब ये सब नष्ट हुए हैं कल महावन करिए ताकि असाध रोगों की स्मृतियां नष्ट हो बेटा खुश रहिए और गुरुजी मुझे भूख बहुत कम लग रही है अभी बेटा यही सब अशुद्धि थी तमाम रक्त अशुद्धि थी रक्त में इन्फेक्शन बहुत हो रहा था खून में है ना असाध रोग बन रहे थे इसी कारण था शरीर इसीलिए कम से कम भोजन लेता है ताकि आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो आपके रोगों को रोगों से लड़ सके ये तो शरीर की व्यवस्था है शरीर अपने आप से एडजस्ट करता है ठीक है क्योंकि तो भोजन नली में घाव भी हो रहे थे भोजन नली में घाव थे श्वास नली में घाव थे लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी लीवर भी आपके डैमेज हो रहे थे इसलिए सब शरीर की व्यवस्था है वो कल महावन के लिए खुश रहो बेटा धन्यवाद खुश रहो बेटा